आज हम लोग आ गए हैं अपने एक और नए सवाल में सबसेट सीरीज के। ठीक है, सम ऑफ अराउंड 11th भी पार्ट होगा ये सबसेट सीरीज का। और ये क्वेश्चन जो मैं लाया हूँ काफी सुंदर क्वेश्चन है, मिनिमम स्वैप एंड के टुगेदर। ठीक है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। ठीक है, और इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, भैया पहले हम समझ लेंगे ये क्वेश्चन क्या है, दूसरी बार इसके समझेंगे इसके अप्रोच क्या है, तीसरा हम समझेंगे कि इसका एल्गोरिथम क्या है, और चौथा कोड है। ठीक है, और वो कोड आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और वो जो कोड है वो आपको मैं लाइव करके दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। तो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, मिनिमम गिवन एन एरे, हमें एक एरे दिया है ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर एंड द नंबर के, फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ऑल द नंबर लेस देन और इक्वल टू के टुगेदर। ठीक है, दिस आपको क्या दिया है कि 21563 दिया है। ठीक है, एक बार एक काम करता हूँ, मैं ले लेता हूँ इस क्वेश्चन को, 21563 दिया है। ठीक है जी, अब आपको क्या बोला है कि आपको कितने स्वैप करने हैं, सबसे मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप आप कीजिए, और आपका क्या मिशन है कि इस केस में आपको दिया है 3। ठीक है, आपका क्या मिशन है कि सारे जो भी नंबर के से जो छोटे हैं और जो के इक्वल है उनको आप मीन्स कॉन्सिक्यूटिव कर दीजिए, कॉन्सिक्यूटिव नहीं कह सकते, एक साथ कर दीजिए, सब एरे में कर दीजिए। ठीक है, आपको एक साथ कर देना है, सबको एक साथ बांध देना है, जो भी 3 से या इक्वल टू 3 से कम है। ठीक है, तो जैसे इधर देखो स्वैप करके, जैसे 2 पहला हमने लिया, ठीक है 2 में कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम गए 1, हाँ 2 3 से छोटा है, हाँ जी 1 3 से छोटा है, हाँ जी, इनको साथ में रखना है, साथ में बाई डिफॉल्ट ही है। 5 3 से बड़ा है, नहीं इसका हमें कोई जुगाड़ करना पड़ेगा, और 6 भी बड़ा है भाई इससे 3 से, और 3 खुद 3 के इक्वल है। हाँ, तो हमारा क्या मिशन है, 2 1 और 3, ठीक है इनको एक साथ करना है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं एक काम कर सकता हूँ कि मैं स्वैप कर देता हूँ 5 को 3 के साथ स्वैप कर देता हूँ। जैसे ही मैंने स्वैपिंग किया, 2 1 3 6 5 एचडीएल फंक्शन का यूज करके, जैसे मैंने स्वैपिंग किया तब ये सारे एक साथ आ गए, और कितने ऑपरेशन किए, सिर्फ मैंने एक स्वैप किया और मेरा आंसर आ गया। तो नंबर ऑफ स्वैपिंग कितना हुआ इधर, ठीक है 1 हुआ। ठीक है चलो, यही था क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आप सबने इसको समझ लिया होगा। ठीक है, और चलिए अब इसके अप्रोच देखते हैं। आपको देखने में तो बड़ा सरल लगा होगा, हाँ भाई हमने पकड़ लिया और हमने स्वैप कर दिया, पर इधर हम लोग को एक इन लोग ने जितना हमने सोचा कि आसान है उतना आसान ये नहीं है। ठीक है, इसके लिए एक टेक्निक है, बहुत ही ब्यूटीफुल टेक्निक है, इसका नाम है स्लाइडिंग विंडो टेक्निक। ठीक है, और ये जो आपने देखा कि मैंने स्वैपिंग किया एसटीएल फंक्शन का यूज करके, असली में मुझे कोट में करने की जरूरत नहीं है, हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ऑपरेशन काउंट करना है ना भाई, कितने स्वैप हो सकते हैं, हमें सिर्फ ऑपरेशन काउंट करना है, ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी है, सिर्फ ऑपरेशन काउंट करना है। ठीक है, तो इसी ऑपरेशन को काउंट करते हुए हम एक काम करते हैं, जो मैं अप्रोच बताने वाला हूँ स्लाइडिंग विंडो टेक्निक, उसको एक बार देख लेते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन था 2 1 5 6, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक काम करेंगे, हम एरे में काउंट कर लेंगे, एक प्यारा सा लूप घुमाएंगे, उसमें हम काउंट करेंगे कि कितने नंबर 3 से कम और इक्वल है, तब हमें काउंट हमारा मिल जाएगा कितना, 3। ठीक है, काउंट हमारा मिल जाएगा 3। फिर हम जैसे ही हमारा अकाउंट मिला 1 2 3, तीन नंबर भाई जो एरे है उसमें तीन नंबर है जो 3 से लेस देन इक्वल टू 3 है। ठीक है, और इम्प्लीमेंटेशन का आप टेंशन मत लीजिए, वो भी मैं बता देता हूँ, क्यों मैं बता रहा हूँ, आपने जरूर समझ लिया होगा कि भाई स्लाइडिंग करके हमें ऐसे करना है, मेथड आपने समझ लिया होगा, पर इसको आप जो स्लाइडिंग मेथड है इसको आप कोड में लिखने में आपको थोड़ा दिक्कत आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये भी मैं ही बता देता हूँ कि इसमें आपको क्या करना है, आप एक काम करना, आपको इतना तो समझ आया गया होगा कि आप लूप घुमा के देख लेना, कंडीशन लगा के, आप कंडीशन लगा के देख लेना कि अगर एरे जो है हमारा लेस देन इक्वल टू के है तब आप उसको काउंट प्लस प्लस कर दो। ठीक है, काउंट प्लस प्लस कर दो, और उसी के दौरान आपको क्या करना है, तीनों को चेक भी तो करना है ना, कि तीनों में चेक करना है कि कितने कौन सा नंबर है, कितने नंबर है जो 3 से बड़े हैं, तो इसमें इसी के अंदर आप चेक कर लेना, क्या चेक कर लेना, फिर इसके अंदर एक कंडीशन डाल देना, इफ एरे काउंट, ठीक है काउंट 0 से चालू होगा, काउंट ग्रेटर देन के है तब इसमें आप आंसर प्लस प्लस करा लेना एक वेरिएबल। ठीक है, इससे जैसे फर्स्ट केस में आपको आंसर कितना मिलेगा,
पहले तीन को करोगे तो आंसर आपको मिलेगा वन, क्योंकि एक ही नंबर तो थ्री से बड़ा है, ठीक है, हमें आंसर वन मिला। उसके बाद आप एक और लूप घुमा लेना, उस लूप को आप आई से स्टार्ट करना। हमें क्या करना है, आप टू को हटाना है भाई, टू को अलविदा कर देना है और इस विंडो को लेना है। तो आई इक्वल टू जीरो से चालू करूंगा, आई प्लस काउंट करूंगा। काउंट क्यों करना है, क्योंकि मुझे तीन तीन का जुट्ठा एक साथ लेके जाना है, इसीलिए काउंट लेस देन एन होना चाहिए, ठीक है, मुझे आई कहीं इधर स्टॉप करना है, ठीक है। तो हमें काउंट कितना मिला था, इधर तीन मिला था, आई प्लस प्लस, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार, ऐसे लेके जाएंगे। उसमें आप क्या चेक करना है, एक बार एक ट्रैकर नाम का एक वेरिएबल मैं डिक्लेयर कर दूंगा, ट्रैक, जो हमारा ट्रैकर हमारा चेक करेगा, उसकी भी मैं वैल्यू आंसर ही दे दूंगा कि हमें स्टार्टिंग में कितना मिला, वन मिला, उसको मैं आंसर देख लूंगा। और उसमें उसके बाद मैं एक कंडीशन हमेशा स्लाइडिंग विंडो में चेक करता रहूंगा कि ये जो हमारा एरे वन था, जो हमारा टू था, क्या वो बड़ा था थ्री से, क्या वो बड़ा था थ्री से। अगर था, अगर वो बड़ा था, तब आप क्या करते, ट्रैकर माइनस माइनस करते थे, ठीक है। इसके इस केस में तो नहीं बढ़ा है, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उसके बाद आप आने वाले के ऊपर भी देखेंगे, हमने टू का चेक कर लिया, उसके बाद हम देखेंगे इफ एरे ऑफ आई प्लस काउंट, आई आपका क्या था, जीरो प्लस काउंट मीन्स जीरो वन टू थ्री, सिक्स के ऊपर हम नजर डालेंगे, क्या सिक्स बड़ा है कि इससे। हाँ जी बड़ा है, तब आप क्या करना, ट्रैकर प्लस प्लस कर देना, ठीक है, इसका मतलब समझ रहे हो। और उसके बाद आप क्या कर देना, एक मिन वैल्यू देखना और उसमें चेक करना कि मिन, एक मिनिमम वेरिएबल, और उसमें चेक करना मिनिमम, सॉरी इसमें आप चेक करना आंसर, ठीक है, और ट्रैकर में मिनिमम कौन सा है, ठीक है। इसका मतलब आप समझ रहे हो, मैं क्या कर रहा हूँ इधर। ट्रैकर भैया आपका ट्रैकर, आपने आंसर को दे दिया वन, ट्रैकर के पास वन वैल्यू, इधर आपका क्या हो जाएगा, जैसे अब ये चेक करेगा भाई टू बड़ा है थ्री से, नहीं है, तब इसमें कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। पर जैसे ही उसको पता चला कि सिक्स बड़ा है थ्री से, तो वो ट्रैकर प्लस प्लस कर देगा। इसका क्या मतलब है, ट्रैकर की इनिशियल वैल्यू वन थी, मतलब ट्रैकर प्लस प्लस मतलब अब आपके पास दो नंबर ऐसे आ गए हैं जो थ्री से बड़े हैं, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करोगे, एक मिन कंडीशन लगा दोगे, आंसर हमारा इनिशियली वन था, कि उसमें पहले एक ही तीन से बड़ा था, अब ट्रैकर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दो, तो उसमें मिनिमम कौन सा निकालेगा, वन ही निकालेगा, ठीक है, क्योंकि तो हमें चेक करता रहना पड़ेगा। और अगर ऐसा कोई केस रहता कि मान लो इधर टू के बदले हो जाता सेवन हो जाता, तब आप माइनस माइनस क्यों करते, क्यों इसलिए करते कि ट्रैकर में हमने इनिशियल आंसर, जैसे अगर मैं अभी सेवन डाल दिया हूँ, तो इधर मैं एक विंडो बनाता हूँ, स्टार्टिंग हमारा ऐसा होता 715, इसमें आपको कितने थ्री से बड़े दिखते, आपको भैया दो बड़े दिखते, सेवन और फाइव थ्री से बड़े दिखते, ठीक है। इसमें आप क्या कर रहे होते, और सिक्स के बदले मैं इधर डाल देता, ठीक है, ऐसा केस लेते हैं। तो उसके बाद क्या आप करते, आपको अब विंडो को स्लाइड करना था, अब आपको 152 करना था, ठीक है, 152, तो आप पहले 7 को चेक करते और ट्रैकर को इनिशियल वैल्यू आप आंसर दे देते, जिसमें इसमें अगर दो अननोन था मीन्स तीन से बड़े थे, तो आंसर आपको दो मिलता, कि दो बार हमें स्वैप करना पड़ता। पर जब भी आप इसको मूव करते कि 7 को हटाओ और 2 को लाओ, जब आप चेक करते कि 7 बड़ा है 3 से, हाँ बड़ा था वो, अब आप ट्रैकर माइनस माइनस करते थे, क्योंकि एक अननोन हमारा कम हो चुका, सॉरी एक तीन से बड़ा हमारा कम हो चुका है, इसलिए मैंने माइनस माइनस कर दिया, ठीक है। उसके बाद आप चेक करते टू के लिए, क्या टू बड़ा है थ्री से, ना जी नहीं बड़ा है, तब हम छोड़ देते। तो फिर हम एक मिन वैल्यू देख लेते, आंसर इस केस में हमें आंसर हमारा इनिशियली टू था, ठीक है, और ट्रैकर हमारा कितना दिखा रहा है, वन दिखा रहा है, क्योंकि इस विंडो में तो सिर्फ एक फाइव ही तो बड़ा है ना भाई, एक फाइव ही तो बड़ा है थ्री से, तो एक ही बार हमें स्वैप करना पड़ेगा, तो इधर आपको मिनिमम की वैल्यू वन हो वन मिल जाएगी। तो यही था स्लाइडिंग विंडो, ऐसे ही आपको चेक करना है, ये ट्रैकर का यूज करके आपको इधर तक चेक करना है, ठीक है, आपको इसी ट्रैकर का यूज करके इधर तक आपको चेक करना है। और क्योंकि एक को हटाओ तो एक को लाओ, इसलिए ये कंडीशन, ये दोनों कंडीशन क्या है, ये है कंडीशन हटाओ की, ठीक है, और ये है कंडीशन लाओ की, ठीक है। तो यही था स्लाइडिंग विंडो, कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है। और चलिए अब आई होप आप सबको इसका अप्रोच समझ आ चुका है, और कोड में जब मैं करूंगा तो आपको और बढ़िया आएगा। और अभी एल्गोरिथम भी एक बार देख लेते हैं, काफी अच्छा लगेगा, तो चलिए एल्गोरिथम भी देख लेते हैं। तो एल्गोरिथम हमें क्या बोल रहा है, भैया आप सबसे पहले ट्रावर्स कर दो लूप को और उसमें काउंट कर लो भाई कितने छोटे हैं थ्री से, छोटे या इक्वल हैं थ्री से। हाँ
हम कर लेंगे। दूसरा, आप क्या काम करो जी, आप एक काम करो कि जब आप ट्रावर्स कर रहे हो, जैसे आपको 3 का गुच्छा मिला है, जितने भी मीन्स काउंट मिले, जितना आपको विंडो बनाना है, उसमें आप चेक कर लो कि उसके अंदर कितने एलिमेंट जो हैं वो जो आपके 3 से जो भी के है उससे बड़े हैं, ठीक है, जो भी आपको वैल्यू है के से बड़े हैं उसको आप काउंट कर लो, ठीक है, मीन्स उसको किसी वैल्यू में स्टोर कर लो। जैसे इधर एग्जाम्पल मैंने आंसर से किया है, ठीक है, आंसर जैसे उसमें आप स्टोर कर लो, ठीक है, इसमें आपको पता चल जाएगा कि भाई अगर चार चार का विंडो है, 4 साइज का विंडो है, उसमें 2 बाहर वाले हैं, मीन्स 3 से बड़े हैं, जो भी के से बड़े हैं उसको आप आंसर में स्टोर कर लो, मीन्स आपको 2 ऑपरेशन तो लगेंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या काम करो, आप एक ट्रैकर, एक और वेरिएबल निकालो और उसको आंसर से इनिशियलाइज कर दो, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, क्योंकि वही तो आपको ट्रैक करेगा। उसके बाद आप क्या करो, आप ट्रैक करो, फिर से एक लूप घुमाओ और उसमें ट्रैक करो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द विंडो और जो अपकमिंग एलिमेंट ऑफ द विंडो को आप ट्रैक कीजिए। ट्रैक के दौरान आपको क्या करना है, आपको देखना है भाई, आपको देखना है कि वो जो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द विंडो है, अगर वो के से बड़ा है, क्योंकि वो अब जाने वाला है, वो विंडो हम आगे जाने वाले हैं, अगर वो के से बड़ा है तब आप ट्रैक में माइनस माइनस खुशी खुशी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि अब आपको एक ऑपरेशन कम करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो चला जाएगा, वो झंझट खत्म। और अगर वो जो अपकमिंग आ रहा है वो बड़ा है के से, ठीक है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्लस इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, कि आपको के को ऐड करना पड़ेगा, मीन्स सॉरी जो भी ऑपरेशन, क्योंकि आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि वो भी अब बड़ा आ गया, ठीक है, और एट द एंड आपको क्या करना है, आपको तो मिनिमम निकालना है, तब आप एक एचटीएल की मदद से एक मिनिमम निकाल लो, कि जो भी आपका आंसर जो आपने पहले वाले मीन्स सवेरे में निकाला, जो भी आंसर और ट्रैकर में सबसे छोटा कौन है, ठीक है, आंसर और ट्रैकर में सबसे छोटा कौन है वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ही था ये एल्गोरिथम, होप आप सबको ये स्लाइडिंग विंडो टेक्निक समझ आया होगा, काफी पॉपुलर है, आपको और भी आगे वाले क्वेश्चन में आएगा, मैं लाऊंगा वो भी क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और आपको कोड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो अगले वीडियो में कोड सहित आएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। तो चलिए दीजिए इजाजत, गुड बाय।